Headline News is brought to you by New and improved Jazz Cash app. अब और भी बेहतर. Jazz Cash, दुनिया को बता दो. बशीर फारूकी ने क्लिफ्टन के पार्क में नमाज जनाजा अदा की. वर्सा गवर्नर सैयद इमरान इस्माइल, सूबाई वजीर सईद गनी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब और सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत. मैयत हजरत अब्दुल्ला शगाजी की दरगाह के अहाते में सुपुर्द खाक. हम सब ने उनको वतन के मजाक की दुनिया में परफॉर्म करते हुए तो देखा है, लेकिन मैंने उनको जाती तौर पर कुछ चीजों के साथ उनकी काम किया है. बड़ा खूबसूरत आदमी था, बड़ा लाजवाब आदमी था. मैं समझता हूँ ये मेरे लिए भी एक पर्सनल लॉस है. उमर भाई जो है ना लेजेंड से बड़े इंसान थे, बहुत बड़े इंसान थे. उमर शरीफ वो इंसान है कि जिनके जाने के बाद पाकिस्तानियों को फील होगा कि हाँ कोई दुनिया से गया है. बेमिसाल शख्स का इंतकाल, बड़ा नुकसान हो गया. एडमिनिस्ट्रेटर कराची अफसरदा मुस्तफा कमाल, अनिस कायम खानी और दीगर सियासी रहनुमाओं का भी खराज अकीदत. फारूक सत्तार का शेर सुनाकर इजहार ख्याल. सारे इंडिया के कॉमेडियन कहते हैं कि हम उमर शरीफ के शागिर्द हैं, और उसका ये वश था कि मेरी तरह जरा भी तमाशा किए बगैर, रो के दिखाओ आंख को गीला किए बगैर. तो वो दिल से रोता था, उसकी आंख में आंसू नहीं होते थे. आज हमें रुलाता हुआ छोड़ गया है. कॉमेडी के बेताज बादशाह के बिछड़ने का गम, मद्दाहों की आंखें नरम. उमर शरीफ की नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत. तकसीम के मौके पर रिक्कत आमेज मनाजर. सारा शहर सोगवार है, सारा मुल्क सोगवार है, सारी दुनिया सोगवार है. इतना बड़ा मजाक है, बादशाह हमारा आर्टिस्ट चला गया है, और एक शोक का आलम है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में. पाकिस्तान का लेजेंड सल्तनत मजाक का बादशाह उमर शरीफ आज रुखसत हो रहा है, और खास तौर पे सिंध हुकूमत का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बड़ा तावुन किया. हर फनकार सोगवार, सल्तनत मजाक के बादशाह उमर शरीफ की जुदाई में कई फनकारों की आंख भर आई. शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद मरहूम के लिए इकदाम करने पर सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार. आज कॉमेडी का वक्त खत्म हो गया. आज हमारे ऊपर से सरबरा खत्म हो गया. उमर भाई कह रहे हैं कि स्टेज को वीरान कर रहे हैं. उमर शरीफ बहुत बढ़िया होती थे, जैसे बाप चाहता था ऐसे वो मुझे चाहते थे. वो लोगों की आंखों से आंसू चुराते थे, आज जाते जाते लोग अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं रहे. मेरी दुआ है अल्लाह ताला उसको जन्नत में भी इसी तरह सरदारी अता करे. चार्ज पार्किंग के नाम पर भत्ताखोरी बंद करने का हुक्म. केस कानून के फीस वसूल की जा रही है. सिंध हाईकोर्ट का सवाल, सड़कों की मुरम्मत के लिए पैसे लेते हैं कमिश्नर ऑफिस का जवाब. अदालत का इजहार बरहमी. 29 अक्टूबर को तफसीली जवाब तलब. पाक फौज में आला सतह पर तकरियां और तबादले. लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI और लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद कोर कमांडर पेशावर तैनात. लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची और लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सरवरा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात. कौमी एहतसाब का दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी. नई तैनाती तक चेयरमैन नैब अहदे पर बरकरार. नाकाबिले तौसी का लफ्ज खत्म. जावेद इकबाल को दोबारा तैनात करना मुमकिन. सदर मुमलिकत वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से तैनाती करेंगे. मुतफिक का फैसला न होने पर पार्लियामानी कमेटी बनेगी. अमरीका की रिपोर्ट में सीपैक पर गलत खबर. तमाम मालूमात पार्लियामेंट में दी जा चुकी. बास कौतें चाहती हैं मंसूबा कामयाब न हो. वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस. शहीद बेनजीर मेडिकल यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तकर्रियों का इल्जाम. स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल. सिंध हाईकोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर नैब से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली. मोटरसाइकिल पर साइड मिरर्स लगवाना लाजमी. सिंध काबीना ने रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी. कानून की खिलाफवर्जी पर जुर्माना होगा.
कोरंगी बिलाल कॉलोनी में तेजाब गर्दी, ख्वाजा सरा सिविल अस्पताल के बेंस वार्ड में जांबहक, पुलिस को मुल्ज़िम कैसर की तलाश। शाह फैसल कॉलोनी में अनोखी वारदात, चोर गैस मीटर उड़ाकर रफो चक्कर, हुकाम ने लीकेज पर फौरी काबू पा लिया। और कोरोना से मजीद 39 मरीज जांबहक अमवात, 27,986 हो गई। 24 घंटे में 1,212 केसेस रिपोर्ट।